खबर कानपुर नगर से है। दो दिवसीय एडवांस कुमेते सेमिनार का हुआ समापन। एडवांस कुमेते सेमिनार का आयोजन कानपुर अंध विद्यालय नेहरू नगर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भारत शर्मा ब्लैक बेल्ट आर्ट डॉन टेबल टेनिस खिलाड़ी संजीव पाठक, विशिष्ट अतिथि रजत आदित्य दीक्षित, महासचिव कानपुर ओलंपिक एसोसिएशन प्रधानाचार्य अंध विद्यालय इंद्रजीत सिंह द्वारा किया गया। प्रथम दिन बच्चों को संबंधित टेक्निकल ट्रेनिंग मुख्य अतिथि भारत शर्मा ब्लैक बेल्ट आर्ट डॉन WKF के टेक्निकल कमीशन मेंबर द्वारा दी गई और बच्चों को अपनी रक्षा सुरक्षा तथा साथ में इससे राष्ट्रीय खेल के रूप में आगे ले जाकर देश व प्रदेश के नाम को गौरव से जोड़ने और दूसरे देशों में हो रही प्रतिस्पर्धा में शामिल होने हेतु जानकारी दी गई। एडवांस कुमेते सेमिनार में दिव्यांग खिलाड़ियों ने अपने हुनर का परचम दूसरे दिन लहराया और एक बार साबित कर दी कि शारीरिक दिव्यांगता प्रतिभा को नहीं छिपा सकती। कार्यक्रम के दूसरे दिन CBSEI यूपी बोर्ड एवं अन्य विद्यालयों राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले 50 छात्राएं व 11 बच्चे अंध विद्यालय से जिन विद्यार्थियों का प्रशिक्षण हुआ उन्हें पुरस्कार व सर्टिफिकेट मुख्य अतिथि द्वारा प्रदान किया गया। कानपुर विद्यालय जूनियर हाई स्कूल नेहरू नगर आज विद्यालय परिसर में विद्यालय परिसर के अस्मि सभागार में कराटे प्रशिक्षण का 2 दिवसीय कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, जिसमें दृष्ट दिव्यांग छात्र और शहर के और भी स्कूलों के छात्र ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और उससे इन छात्रों को आत्मनिर्भर और अपनी आत्मसुरक्षा करने का एक सुनहरा अवसर है और इससे ये लोग दूसरों का भी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि कोई उनका पड़ोसी दिव्यांग भाई है तो उसको भी सुरक्षित रख सके। साथ ही इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भरत शर्मा जी हैं और मैं इसमें विशेष रूप से विजय जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने यहां पे प्रोग्राम रखा है इसके लिए। बहुत आई एम द ब्लैक बेल्ट 8th डैन एंड मेंबर ऑफ द WKF टेक्निकल कमीशन। आई एम द फर्स्ट इंडियन हु रिसीव्ड द WKF सर्टिफाइड कोच लाइसेंस। आज कानपुर में काफ़ी सारे बच्चे, लगभग 50 से ऊपर बच्चे, जो कराटे की जो नई तकनीक है जिससे आगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीता जा सकता है, उसको सीखने के लिए 2 दिन का हमने यहाँ सेमिनार किया और सेमिनार बहुत अच्छा रहा, जिसके अंदर जितने भी मेरे को नॉलेज है कराटे कंपटीशन के रूल्स के बारे में, कराटे कंपटीशन की टैक्टिक्स, टेक्निक्स और स्किल्स के बारे में मैंने इन बच्चों के साथ शेयर की और मुझे उम्मीद है आने वाले भविष्य के अंदर कानपुर के और यूपी के खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर भी देश का नाम रोशन करेंगे और मेडल जीतेंगे। एक बात सर, ये कि आजकल देखा जाए तो कराटे जो बहुत पुराना अपना वो आर्ट रही है और पहले ये भी देखा गया है कि बहुत मोदी सरकार से पहले, अगर देखिए मैं इस आप लोगों के माध्यम से हमारे देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे बहुत मेहनती और जुझारू खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि पहली बार अभी जब खेलो इंडिया भी हुआ था यूनिवर्सिटी गेम, उसके अंदर कराटे को शामिल किया गया, जिससे पूरे देश के अंदर कराटे के खिलाड़ियों में एक नई ऊर्जा और नई उत्साह का संचार हुआ और कराटे के खिलाड़ी बहुत खुशी हैं। अब उसके बाद और यूनिवर्सिटी लेवल पर स्कूल गेम्स के अंदर कराटे को जिस तरह भारत की सरकार मान्यता दे रही है और आगे बढ़ा रहे हैं, और जहाँ तक बात है क्रिकेट की, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्रिकेट एक डिफरेंट गेम है। कराटे के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि क्रिकेट के बाद में यदि कोई देश के अंदर सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला खेल है तो वो कराटे है। पूरे देश के बहुत सारे स्कूल्स हैं, लगभग सभी स्कूलों के अंदर कराटे होता है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कराटे होता है, हर स्टेट के अंदर कराटे होता है, तो क्रिकेट के लिए तो बहुत आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ता है और वो एक टीम गेम है, बट ये एक इंडिविजुअल गेम है। और मैंने ये देखा है कि भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, वो चाहे कराटे नहीं, चाहे वो कुश्ती है, चाहे वो शूटिंग है, चाहे वो निशानेबाजी है और जितने भी बैडमिंटन है, इसीलिए इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के अंदर हमारे मेडल।
कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।